आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखा, जिसमें पहली मांग जीएसटी में दो दरें रखें जिसमें 5 से 16% हो, साथ ही जीएसटी में किसी भी प्रकार का जुर्माना 10,000 से अधिक न हो एवं जेल की सजा का प्रावधान समाप्त हो। पंजीकृत व्यापारियों का उत्तर प्रदेश की भांति 10,00,000 का दुर्घटना बीमा हो तथा व्यापारियों को टैक्स कलेक्ट्रेट पर दर्जा प्राप्त देते हुए पेंशन दी जाए, साथ ही ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था समाप्त की जाए, आयकर में छूट की सीमा 5,00,000 की जाए और धारा 80C के अंतर्गत छूट सीमा 1,50,000 से बढ़ाकर 2,50,000 की जाए एवं खादान एवं जरूरी वस्तुओं को वायदा कारोबार से बाहर रखा जाए। जी हाँ, इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, चेयरमैन नरेश अग्रवाल, जिला महामंत्री जयदेव यादव, महानगर अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, रविंद्र सिंह ठाकुर, महानगर महामंत्री अजय गुप्ता, प्रदेश मंत्री, युवा जिला अध्यक्ष युद्धवीर सिंह चौहान, विपिन गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, प्रदान जैन, विभोर अग्रवाल, पक्कड़ मुरादाबादी, अमित अरोरा, सचिन वर्मा, विनोद अरोरा इत्यादि लोग मौजूद रहे। लगातार व्यापारियों पर प्रतिबंध है और इस गवर्नमेंट ने व्यापारियों पर सजा का प्रावधान बढ़ा दिया है। इसके खिलाफ आज पूरे भारत में बंद भी है और हम जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें जीएसटी की 2 दरें रखी जाए। हमारी मांग है 5% और 16%। नंबर 2, जीएसटी में किसी प्रकार का जुर्माना 10,000 से अधिक न हो और जेल की सजा का प्रावधान समाप्त हो, क्योंकि व्यापारी कोई क्रिमिनल नहीं है। अगर कोई भूल चूक होती भी है तो उसका सजा प्रदान व्यापारी के लिए नहीं होना चाहिए। पंजीकृत व्यापारियों का उत्तर प्रदेश की भांति 10,00,000 का दुर्घटना बीमा हो तथा व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा देते हुए पेंशन दी जाए। पूरे देश से मंडी शुल्क समाप्त किया जाए। जीएसटी के कानून के अंदर पूरा है, पूरे विश्व में है कि एक टैक्स एक देश चलता है, लेकिन यहाँ पर जीएसटी लाने के बाद भी मंडी शुल्क लगातार चालू है और ये एक गलत नियम है और इस गलत का नियम का गलत उपयोग प्रयोग हो रहा है। सिंगल ब्रांड रिटेल 100% FDI की अनुमति वापस हो। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को अनुमति न दी जाए। जो ऑलरेडी यहाँ पर बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है और अगर विदेशी ट्रेड यहाँ चालू होते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग चालू होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, लोगों व्यापारियों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था तो बिल्कुल खत्म कर दी चाहिए, इससे तो व्यापारी बर्बाद हो जाता है। आयकर में छूट की सीमा जो लगातार अभी 2,50,000 रुपये है, इसे बढ़ाकर कम से कम धारा 80C के अंतर्गत छूट देकर 1,50,000 से बढ़ाकर 2,50,000 की जाए और आयकर की सीमा 5,00,000 की जाए। देश में